सरकार डूबेगी तो क्या करेंगे? वो तो रेवड़ी बांट रहे हैं, वो तो कहेंगे अभी 1,000 नहीं 2,000 देंगे। विकास तो है लेकिन ना के बराबर। जब जो सरकार होगी जिस टाइम पे तो जवाबदेही उनकी होगी। क्षेत्र के विधायक हमारे आते नहीं कभी, जनता बीच के बीच पैस रही। अगर विधायक मांग करेंगे तो सरकार पैसा देगी, क्यों नहीं देगी? प्रत्याशी हम किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करें। बार बार भाजपा वही गलती कर रही है, देखते आगे क्या होगा। विधायक नहीं बदल रहे, सरकार बदल रही है। सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होगी तो विकास होगा। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के हम चंद्रनगर में पहुंचे हैं। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मौसम भी चाय के हिसाब का बना हुआ है, भजिए पकौड़ी का समय है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तमाम जो मुद्दे हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इन 5 सालों में किस तरीके से काम रहा है और जनता आखिरकार क्या चाहती है, क्या इन 5 सालों के विकास से जनता संतुष्ट हुई है या फिर कुछ बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सुनई रिछारिया। रिछारिया जी, बताएं पिछले 5 सालों में क्या स्थिति रही आपके क्षेत्र में विकास काम को लेकर और कैसा माहौल देख रहे हैं? विकास तो है लेकिन ना के बराबर, कम विकास है, विकास है लेकिन ना के बराबर। तो क्या है, कुछ बताएंगे विस्तार? कमियां हैं। हाँ। तो इस कमी की वजह किसको मानते हैं, क्षेत्रीय विधायक को मानते हैं या फिर सरकार को मानते हैं? सरकार को तो नहीं, क्षेत्र के विधायक हैं, जो कि उनको पैसे ले आने चाहिए सरकार से, वो काम करवाना चाहिए। अब क्षेत्र के विधायक हमारे आते नहीं हैं कभी, क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, देखते नहीं हैं क्या है क्या नहीं है। आना चाहिए उनको, हम जिताते हैं बार बार उनको, उन्हें आना चाहिए, हम लोगों के बीच आना चाहिए। आते तो हैं कभी कभार, हाँ, नहीं तो हमारे क्षेत्र को देखना चाहिए, क्षेत्र की जनता को देखना चाहिए। हाँ, विधायक जी का ये कहना तो नहीं है कि चूंकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे? भाई क्या है, सरकार किसी की हो पर मांग तो कर सकते हैं विधायक जी, क्यों नहीं कर सकते? क्षेत्र में क्या मूलभूत कमियां हैं जिनको लेकर एक आवाज़ यहां से? काफ़ी कमियां हैं, जैसे शिक्षा की भी कमी है अभी यहां, प्रातः तौर पर शिक्षा अच्छी होना चाहिए, शिक्षा की कमी है। हैं अब भाई सरकार पैसा तो देगी, अगर विधायक मांग करेंगे तो सरकार पैसा देगी, क्यों नहीं देगी? हैं क्यों नहीं देगी विधायक को पैसा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नरेंद्र त्रिपाठी। नरेंद्र, बताएं क्या स्थिति है, आप युवा हैं, क्या काम करते हैं? काम कुछ नहीं, बस खेती करते। खेती किसानी अच्छी चल रही है क्या? भगवान भरोसे चल रही है, 3-4 बार से बरसात की फसल खराब हो जाती है, शासन की तरफ से कुछ सहयोग मिलता नहीं, क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो सत्ता के विरोध में है तो वो उनका जय हो जाता कि हमारी सत्ता नहीं है, जो विपक्ष में है और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो बोलते हैं हम विधायक नहीं हैं, जनता बीच के बीच पिस रही है। स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक डॉक्टर साहब है पटेल साहब, ठीक है ना, और बिजली की स्थिति ये है कि पता ही नहीं कब कट जाए, कब आ जाए, कब चली जाए। नालियाँ आप देखेंगे बाजू में तो अतिक्रमण चारों तरफ दिखेगा, कोई सुनने वाला नहीं, ना तो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की भूमिका एक सी है, सत्ता अपना और विपक्ष अपना, ईमानदारी से काम करे तो विकास हो सकता। भाजपा तो ये कहती है या मुख्यमंत्री जी ये गिनाते हैं कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय रोडों में गड्ढे थे और बिल्कुल बिजली नहीं आती थी, अब चकाचक है सब मामला। देखिए सच है कि दिग्विजय सिंह के टाइम पे रोड में गड्ढे थे, बिजली नहीं आती थी, लेकिन ये भी सच है कि जब जो सरकार होगी जिस टाइम पे तो जवाबदेही उनकी होगी। आज भाजपा सरकार है, जो जवाबदेही उनकी है, ये 2003 के पहले की बात है, तो हमें लगता अगर सही तरीके से बात की जाए तो अब जो जवाबदारी उनकी है भाजपा वालों की, वो उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनावी समीकरण है, कौन बागी प्रत्याशी होते, किन्हें टिकट मिलती है, और कई बार जातीय समीकरण, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों पे भी चुनाव हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पिछली बार का देखें, 2 बार का, तो जब से राजनगर विधानसभा अस्तित्व में आई है लोगों ने एक अपना मत दिया है कि बाहर प्रत्याशी हम किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे, और बार बार भाजपा वही गलती कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, यानी कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो बाहर से आए? नहीं, अभी आ रहे हैं, पता नहीं कौन आएगा, लेकिन जो अभी तक हुआ वो बता रहे हैं, अब आगे का। खेती किसानी की आपने बात करी,
कहा जाता है कि जैसे कर्जे माफ़ हो रहे हैं और समय समय पर फसल ख़राब होती है तो मुआवजे मिलते हैं, तो क्या ऐसा कर्ज माफ़ का जो है वो भी घोटाला बहुत बड़ा हुआ है यहीं पे सोसाइटी में, और बीमा का है तो वो कभी किसी किसान को मिलता किसी को नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि सोसाइटी में जो ईमानदार किसान है उनका ना कर्ज माफ़ होता ना कुछ होता, जो बदमाश हैं या बेईमान है या समिति से मिले जुले हुए हैं उन लोगों के काम भी हो जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। अगर सच्चाई से कमलनाथ सरकार वाली जाँच की जाए तो करोड़ों का घोटाला यहीं पर निकलेगा, रत्ता का समिति चंद्रनगर का, ये सब ठीक है, सत्ता के उसमें लीपा पोतियों के सब चलता। देश में क्या लगता है इस बार कौन सी वही रहेंगे या फिर बदलेगा? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, बदलाव की बात हो रही है, हम इनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? बोलो भाई साहब, मंगल भाई। बोलो, जी क्या नाम है? मंगल सिंह यादव। मंगल सिंह जी बताएं चंद्रनगर की स्थिति क्या है, क्या देखते हैं? बढ़िया है, बढ़िया, सब बेहतर है, सब बेहतर है। अभी आपके सामने बता रहे थे कि लाइट भी नहीं आती, किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याएं वो कह रहे अभी भी नहीं है लाइट, बताइए। जो बोल रहे बिल्कुल सच्चाई है उसमें। अच्छा, हाँ तो ये अच्छा है? नहीं बुरा है, हाँ। शासन की कमी है, शासन नहीं कर रहे। किसको दोषी मानते हैं? शासन को मानते हैं, शासन की जनप्रतिनिधि जो आपके हैं। नहीं नहीं वो तो विपक्ष में, वो क्या करेंगे, वो जिस काम को कहते हैं तो उसको अनसुनी कर दी जाती है। तीन बार से लगातार विधायक हैं, अगर ऐसे ही सारे विधायक मध्य प्रदेश के जो विपक्ष में हैं ये कहने लगे तो उन क्षेत्रों में तो कभी विकास काम होगा ही नहीं। नहीं, हमारी विधानसभा तो खास तौर से जी चल रहा है। क्या विरोध पार्टी काम नहीं कर दे रही विधायक को? कौन सी पार्टी? भाजपा पार्टी। अच्छा, हाथ पकड़ लेती है? नहीं, फोन लगाती है, फोन से अगर जोन काम को न बोला उसको मना कर देती है। तो क्या तो विधायक कमजोर हैं क्या? नहीं विधायक कमजोर है, कमजोर जब सत्ता नहीं होता तो सब कोई कमजोर होता है, सत्ता सत्ता होता। नहीं, और बड़े नेताओं की बात करें जैसे कि क्या आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के काम रुकते होंगे क्या कभी? नहीं, अब वो इतने ऊंचे लेवल के हमें नहीं, हम तो देहात के हैं, इतना हमको नॉलेज नहीं है। नहीं, विधायक अपने आप में चार बार के विधायक हैं, विधायक करत है, कात है, लड़त है, लेकिन नहीं सुनी जा रही, क्या करें? तो इस बार क्या होगा, मतलब क्या आप विधायक बदलने जा रहे हैं या फिर क्या चीज? तो भैया सरकार बदल देंगे। अच्छा, सरकार बदल देंगे, विधायक बढ़िया है हमारा, विधायक नहीं बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। चलिए ठीक है, तो सरकार बदलने की बात है। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार जी। बताएं जैसे अभी ये चर्चाएं हो रही हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कुछ कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, क्या मान रहे हैं? नहीं, विकास तो विकास की तो है, तो विकास नहीं हुआ है अपने यहाँ जी। हाँ तो विकास की तो थोड़ा सा सरकार की लापरवाही भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो विकास तो होगा, और कुछ विकास हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई बात, लेकिन विकास जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में किन मुद्दों की ज़रूरत, क्या कमी है क्षेत्र के लिए विकास के पर्पज़ से आप सोचते हैं? विकास के लिए सबसे ज़्यादा तो दिक्कत अपने यहाँ ये तो पानी की समस्या तो है ही है, तो बंधा के वजह से उतना पानी नहीं मिल पा रहा, तो खेती नहीं हो पा रही है। तो जबकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन डैम हैं, उसके बावजूद पानी की दिक्कत, तो समस्या क्या है? तो यहाँ का पानी जो जितना भी है तो यूपी से, जो रनुआ बंधा का पानी है वो यूपी 60% 65% पानी यूपी चला जाता है, 35% पानी रहता है। तो अपने यहाँ इतनी जो ज़मीन वगैरह हैं, तो ज़मीन पथरीली वगैरह ज़मीन है, पथरी ज़मीन में कम से कम 5-5-6-6 पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा बंधा है कि जहाँ कंडीशन है हमारे बंधे से करीब 2-3 पानी से ऊपर पानी दे नहीं पा रहा है, तो ये समस्या बनती है। तो 2-3 पानी से कोई खेती होने वाली है नहीं है, अगर पर्याप्त पानी मिलेगा तो पर्याप्त खेती होगी। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में, चूंकि जो है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का भी ये क्षेत्र है, उनकी तरफ से कोई विकास कार्यों की सौगात नहीं मिली? नहीं, अभी तो कोई ऐसे समझ में नहीं आ रही कोई बात। तो क्या लग रहा है फिर कुछ चेंज होने वाला है आगे? नहीं नहीं बिल्कुल चेंज होना चाहिए, होना चाहिए या होगा? नहीं नहीं होगा, होगा पक्का होगा। क्या देखने को मिलेगा जनता को? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार, ऐसा? हाँ पक्का। तो कांग्रेस की सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं ऐसी कि अगर बनेगी तो विकास हो? नहीं नहीं विकास देखो सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होगी तो विकास होगा। जब सरकार एक तरफ चलेगी तो एक तरफ मनमानी चलेगी, जब मनमानी चलेगी तो आदमी, जब एक तरफ सरकार एमपी में रहेगी और दिल्ली में सरकार रहेगी तो उनका एक छत्रराज रहता है, वो जो जो पारित करेंगे वो होता है।
तो एक छत्र राज है। अभी मुख्यमंत्री जी अभी कल नौगांव आए थे, उन्होंने बताया कि बहनों को 1000 और बुजुर्गों को 600, बेटियों को इतना, इतने उन्होंने गिनाए। ये तो चुनाव है। चुनाव के टाइम पे सब कुछ कर सकते हैं वो। जब नैया सामने वाले की डूबती है तो वो अपनी इज्जत दाव पे लगी है, तो जो कुछ सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। यानी कि चुनाव के टाइम पे रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिल्कुल बांट रहे हैं वो लोग, वो जितने क्रम है वो सब करेंगे। अभी जो कुछ बाकी है, जो कुछ नहीं हुआ होगा वो करेंगे। उनका लगना क्या है, बोलना ही तो है उनको, और उनका लगता क्या, लगता तो जनता का, जनता पिस रही है, और जनता का जा रहा है, उनका क्या जा रहा है। वो तो रेवड़ी बांट रहे हैं, वो तो कहेंगे अभी 1000 नहीं 2000 देंगे, जब 3000 भी देंगे। अब जाएंगे जब डूबने वाली सरकार है, तो डूबने की, जब सरकार डूबेगी तो क्या करेंगे वो, तो सब 3000 भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, वो सब दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब वो तो